अच्छा स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िक्स में हर वो चीज़ क्वांटिटी कहलाएगी जिसको हम मेजर कर सकें। अब मेजर करने के लिए नंबर प्लस यूनिट हमें चाहिए होता है, उसे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, चाहे वो मास है चाहे टाइम है। तो नंबर प्लस यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी बाज़ का रिक्वायर होती है। खैर, नंबर और यूनिट हो तो स्केलर, और अगर नंबर यूनिट और डायरेक्शन हो तो ये वेक्टर्स क्वांटिटी है। तो क्वांटिटीज़ को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को नंबर वन बेस क्वांटिटीज़ हैं, नंबर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, और नंबर थ्री ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ये 2 हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये बेस क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं। पहले ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लें, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। जो बेस क्वांटिटीज़ या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के मिलने से बने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ सैकड़ों में आ जाती हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ तो हम सिलेबस में साथ साथ पढ़ते ही जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेस क्वांटिटीज़ से। बेस क्वांटिटीज 7 है। लेंथ का जो SI यूनिट है क्वांटिटी, लेंथ है SI यूनिट मीटर है। मीटर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है हमारे पास 299,792,458 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो यहीं से मीटर की डेफिनेशन यूँ होगी कि अगर हम कहें कि एक सेकेंड का हम इतना हिस्सा ले लें, क्योंकि इतने मीटर डिस्टेंस 299,792,458 मीटर्स का डिस्टेंस वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करती है एक सेकंड में इतने मीटर्स का डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है। तो अगर मैं इस वैल्यू को उधर ले जा कर डिवाइड कर दूं, तो इसका मतलब है एक मीटर ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा, दैट विल बी 1 hour 299,792,458 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड का इतना हिस्सा, 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली इतना पार्ट जो होगा, उसमें लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 1 मीटर का। तो 1 मीटर इज़ दी लेंथ ऑफ पाथ। 1 मीटर वो लेंथ है जो लाइट ट्रैवल करेगी इन वैक्यूम में कितने टाइम में, 1 hour 299,792,458 ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने हिस्से में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एंड दैट डिस्टेंस इज 1 मीटर। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी इज मास। मास जो है इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो किलोग्राम है, केजी में हम मेजर करते हैं, और तकरीबन किलोग्राम से हर बंदा फेमिलियर है। हम कोई भी क्वांटिटी, मतलब शुगर भी खरीदने जाएं मार्केट से, तो किलोग्राम्स में लेते हैं। ये किलोग्राम जो है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक सिलेंडर है जो इंटरनेशनल ब्यूरो में रखा गया है, और उसकी जो मास है उसको 1 kg, स्टैंडर्ड 1 kg कहा गया है। तो आप 1 kg की स्टैंडर्ड डेफिनेशन उस सिलेंडर के कंपैरिजन में ही हम करते हैं, दैट इज़ एट इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप जो सिलेंडर है उसको हम 1 kg कहते हैं, और वो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से बाकी किलोग्राम्स को कॉपी किया गया है। टाइम के बहुत यूनिट हैं, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे, मंथ, ईयर्स, इसके अलावा मिलीनियम, सेंचुरीज़। तो लेकिन टाइम का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो सेकेंड है।
1 second is the duration of 91926317070 vibrations of the transition between two levels of ground state of cesium atom. Cesium atom की अपनी ground state पे जो vibration हो रही है, उसकी जो transitions हैं, उनकी इतनी तादाद कितने अरसे में मुकम्मल होती है? 1 second में. ये 1 second की standard latest definition है कि 1 second वो time होगा जिसमें cesium का atom इतनी vibrations 91926317070 vibrations complete करेगा. That time is 1 second. The fourth quantity that is also base quantity, that is electric current. Electric current का जो SI unit है वो ampere है. Ampere को हम पहले define किया करते थे coulomb से कि current is equal to charge per unit time, charge is equal to current into time. तो 1 ampere is the current when 1 coulomb charge passes through a cross section of a wire in 1 second. लेकिन ये definition जो है base quantity की definition आप derived quantity से नहीं निकाल सकते, उसको नहीं अखज कर सकते. तो ये definition latest नहीं है कि 1 coulomb charge 1 second में pass करे तो current 1 ampere का होगा. ये definition तो base quantity की in the form of derived quantity हो जाएगी क्योंकि coulomb तो derived quantity है. तो latest definition जो ampere की है वो ये है कि अगर हमारे पास दो स्टेट कंडक्टर्स हों और उनका दरमियानी डिस्टेंस 1 meter हो और उन कंडक्टर्स की लेंथ इन्फिनिटी हो, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया निगलिजिबल हो. निगलिजिबल क्रॉस सेक्शनल बहुत बारीक वायर्स हैं, निगलिजिबल क्रॉस सेक्शनल की और इनफाइनाइट उनकी लेंथ है. उनमें से पैरेलल वो वायर्स पड़ी हुई हैं, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो 1 meter के डिस्टेंस पे पड़ी हुई दो इनफाइनाइट लेंथ की वायर्स जिनमें से करंट फ्लो हो रहा है और करंट पैरेलल है दोनों में और उनके दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो 2 × 10⁻⁷ N·m है. 2 × 10⁻⁷ N·m अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. That may be written as 200 nN/m. 200 nN/m की फोर्स उन कनेक्टर के दरमियान प्रोड्यूस हो रही है. देन वी विल से दैट द करंट इन द बोथ वायर्स इज 1 एम्पेयर. तो इफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड निगलिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेस्ड 1 meter पार्ट इन द वैक्यूम पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो फोर्स हो 2 × 10⁻⁷ N·m, 1 meter की लेंथ में इतने न्यूटन फोर्स हो, देन द कॉन्स्टेंट करंट इन द कनेक्टर्स विल बी 1 एम्पेयर. दैट इज द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द एम्पेयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी. तो ये इलेक्ट्रिक करंट है. फिफ्थ नंबर पे है जी टेम्परेचर. टेम्परेचर की मेजरमेंट हम करते हैं जी केल्विन में, सेल्सियस में भी करते हैं, फारेनहाइट में भी करते हैं, लेकिन इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो केल्विन है. केल्विन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में देख सकते हैं. वही डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है. तो यहाँ इस वक्त अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी, तो वो टॉपिक जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर होता है जी वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है. वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में वो 273 केल्विन होता है. उसका 1/273 ले लें आप पार्ट, मतलब 273 ब्रैकेट में होगा, 273 बाहर है, कैंसिल हो जाएंगे. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन. 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन. तो ये केल्विन की डेफिनेशन है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस पावर, लाइट कितनी तेज़ है, कितनी तेज़ है या कितनी डिम है. लाइट की ये जो डिम या तेज़ होने का जो होता है मेजरमेंट उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं. इसका ऐसा यूनिट जो है वो कैंडेला है. कैंडेला को डिफाइन कर इस तरह से लेटेस्ट किया गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, ऐसी लाइट जिसमें वेवलेंथ सेम होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो इस फ्रीक्वेंसी की 540 × 10⁻¹² हर्ट्ज़ की. ये ल्यूमिनस पावर जो होगी अगर इस फ्रीक्वेंसी की लाइट
एक खास डायरेक्शन में इतनी शिद्दत से 1/683 वाट्स पर स्टे रेडियन, इतने वाट्स पर स्टे रेडियन इसकी पावर हो। स्टे रेडियन की डेफिनेशन अभी हम करेंगे सॉलिड एंगल में, तो 1/683 वाट पर स्टे रेडियन पावर है और ये फ्रीक्वेंसी है, उससे जो लुमिनस बनेगी दैट इज़ वन कैंडेला। एंड द लास्ट क्वांटिटी, सेवन्थ क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ आल्सो मेजर्ड, विच आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम्स। ये बेसिकली दोनों सेम क्वांटिटी हैं, लेकिन इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेजर करना इजी है, इसलिए इस एक क्वांटिटी को दो जगहों पे मास की और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फॉर्म में लिखा गया है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट जो है वो मोल है। मोल को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनकी तादाद बराबर हो 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स, कार्बन 12 के एटम्स हो और 12 ग्राम हो। ये 0.012 किलोग्राम मींस 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन 12 के एटम्स की जितनी तादाद है उतनी तादाद किसी भी और सब्सटेंस के आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स की हो तो वो उस सब्सटेंस का एक मोल होगा। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स की ये डेफिनेशन जो हैं लेटेस्ट आपके सामने लिखती हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास जो हैं वो दो हैं, वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। आम एंगल जो हम मेजर करते हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल जो होता है ये प्लेन एंगल कहलाता है। प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, रेडियन है। और दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये कोन की सूरत में, कोनिकल एंगल होता है, स्फेरिकल होता है, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो स्टे रेडियन है। पहले हम रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं फिर स्टे रेडियन को डिफाइन कर लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, अगर किसी भी सर्कल, सर्कल एक प्लेन डायग्राम है, प्लेनर डायग्राम है, टू डिमेंशनल डायग्राम है, किसी भी सर्कल में एक आर्क ली जाए, दैट आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उस आर्क की लेंथ उतनी ही है जितना उस सर्कल का क्या है जी, रेडियस है, देन द सेंट्रल एंगल इज वन रेडियन। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज वन रेडियन। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क इज एट सर्कमफ्रेंस, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इक्वल टू रेडियस एट द सेंटर। इज इक्वल टू वन रेडियन एंड वन रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। एक रेडियन एंगल जो होगा इसमें जो डिग्रीज होंगी वो 57.3 डिग्रीज होंगी, और अगर पाई रेडियंस लिए जाएं तो दैट आर 180 डिग्री एंड टू पाई रेडियंस कंप्लीट वन रोटेशन 360, वन कंप्लीट रोटेशन कंटेन टू पाई रेडियन। डिग्रीज में पूरी एक रोटेशन 360 डिग्री होती है जबकि रेडियंस में ये वैल्यू 2 पाई रेडियन होगी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन।
इसके बाद है जी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन स्फेरिकल या कोनिकल एंगल है, इसको बोर्ड पे तो नहीं बनाया जा सकता लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर है जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल है, उस स्फीयर पे आपने एक एरिया ले लिया, उस एरिया की वैल्यू इसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। टेक एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब फुटबॉल है अगर, तो फुटबॉल का अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लें फुटबॉल की सरफेस पे और उसकी सेंटर पे कोन बना लें, सेंटर तक उसकी जो कोन होगी दैट कोनिकल एंगल इज़ 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन इज़ द कोनिकल और स्फेरिकल एंगल और 3 डिमेंशनल एंगल दैट इज़ सबटेंडेड बाई एन एरिया इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई, 3 डिमेंशनल या कॉनिकल या स्फेरिकल एंगल सबटेंडेड बाय एन आ सरफेस ऑफ एरिया equal to the square of radius of sphere at the center of sphere is equal to 1 steradian। अगर सरफेस पे ये 3D कोनिकल एंगल है सबटेंडेड बाय अ सरफेस ऑफ एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, जितना इस स्फीयर का रेडियस है, जितना इस स्फीयर का रेडियस है उसके स्क्वायर के बराबर एक एरिया लें, उस एरिया का जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये एरिया इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर, सेंटर पे जो कोनिकल कोन बनेगी उसका जो कोनिकल एंगल होगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। अब पूरी सरफेस जो होती है, देखें हमने एरिया लिया है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एरिया लिया है तो सेंटर पे एंगल बन रहा है 1 स्टेरेडियन का, 1 स्टेरेडियन का। पूरी स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4πr² सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², इट्स मीन टोटल एंगल जो स्फीयर का बनेगा वो होगा 4π स्टेरेडियन। तो टोटल स्फीयर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 4π स्टेरेडियन एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर सबटेंडेड 4π स्टेरेडियन एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, पूरी स्फीयर का सेंटर पे 4π स्टेरेडियन एंगल बनेगा, तो आधी स्फीयर का बनेगा 2π स्टेरेडियन। हाफ स्फीयर हो तो उसका 2π स्टेरेडियन एंगल सेंटर पे बनेगा। जैसे ये देखें, अगर हम एक बॉल को हाफ कर देते हैं, ये बॉल को हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये हाफ सरफेस जो है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी दैट विल बी 2π स्टेरेडियन, पूरी स्फीयर जो सेंटर पे बनाएगी दैट इज़ 4π स्टेरेडियन और रेडियस के स्क्वायर के बराबर सरफेस जो बनाएगी वो 1 स्टेरेडियन, दैट इज़ द स्टेरेडियन एंगल, 3 डिमेंशनल एंगल। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री, ये हो गई सप्लीमेंट्री क्वान्टिटीज़, रेडियन और स्टेरेडियन इसके यूनिट हैं। ये 2 डिमेंशनल एंगल है, प्लेन एंगल जो है दैट इज़ 2D एंगल एंड दिस इज 3D एंगल। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं, जैसे वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से बनेगी, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम से बनेगा, फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन से बनती है,
ये डराइव्ड क्वांटिटीज मिलके जो क्वांटिटीज बनाती हैं दैट आर बेस क्वांटिटीज के मिलने से जो क्वांटिटीज बनती हैं दैट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज. इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं.